आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। जैसा कि हम सब आज आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि हम जूझ रहे हैं कैलामिटी से, हमारे आई थिंक लाइफ टाइम की सबसे वर्स्ट कैलामिटी जिस कोविड-19। एंड अपने महान देश भारत की बात करूँ तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अराउंड 4 लाख केसेस कोविड के हम रोज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड 2 लाख का आंकड़ा डेथ का कोविड से पिछले साल का मिला के हम क्रॉस कर चुके हैं। एंड पर डे डेथ की बात की जाए तो अराउंड 4,000 डेथ टोल इज बीइंग विटनेस्ड पर डे। कितना कोविड से हो रहा है और कितना मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से, ये दूसरा क्वेश्चन है। बट ये इसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा कि अगर प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटी हमारे पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को अगर मिल जाती तो काफी जानें बच सकती। तो इसमें ये चीज सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारा, आई डोंट वांट टू यूज एनी नेगेटिव वर्ड, बट कहीं ना कहीं हमारा मेडिकल सिस्टम प्रॉपर प्रिपरेशन होने ना होने की वजह से कोलैप्स कर चुका है। एंड जैसा कि कल संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे थे कि इस कैलेमिटी में 3 टाइप के लोग उभर के आए हैं। पहले लोग हैं जो सबको निछावर करके सेल्फलेसली दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक तबका ऐसा भी है जो न्यूट्रल है, और एक तबका है जिसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, एक हेल्दी फ्रंट बन चुका है प्रॉफिट कमाने का। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा लोगों को, जो लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। एंड एक रेमडेसिविर का नाम की वैक्सीनेशन है, अगर मैं इसको प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूँ, सॉरी वैक्सीनेशन द मेडिसिन, वो भी ब्लैक हो रही है 50,000 1 लाख रुपए। एंड इसी तरह से कुछ ऐसे कुछ फैसिलिटीज हैं जो प्रॉपर अगर मिल चाहिए भी तो काफी उनको हाई रेट देना पड़ रहा है। 19 अप्रैल की बात है कि हमारी भारत की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम 18 से अबव जो भी लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन 1 मई के बाद, 1 मई से ही हम स्टार्ट कर देंगे देना वैक्सीनेशन। तो प्रेजेंटली भारत में 2 कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही है, एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और एक है भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये घोषित किया है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ये वैक्सीन अराउंड 400 रुपये में देगी, जो उनका इनिशियल प्राइस था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम थोड़ा हमें लोगों की फिक्र है, हम थोड़ी फिलेंथ्रोपी करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक फिलेंथ्रोपिक जेस्चर ये बोला कि हम 300 रुपये पर डोज देंगे। इसके अलावा जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, वो एक्स्ट्रा होगी, तो प्राइस कहीं ज्यादा ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट अगर स्टेट हॉस्पिटल से भी वैक्सीन लगवाएंगे। इसके अलावा बात की जाए दूसरी वैक्सीन की, कोवैक्सीन की, भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन की, उन्होंने कोट किया कि हम 600 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से लेंगे वैक्सीन को बेचने का। इसके अलावा वही एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो वैक्सीन ज्यादा पड़ेगी। तो आज का सेशन हमने इसलिए रखा है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्या प्राइवेट कंपनीज को हक बनता है कि वो प्राइवेटाइज ये जो मेडिसिन है इन पे चार्ज करें, एक एक प्रॉफिट बनाए इस इन मेडिसिन पे। एंड इन सब के बीच में गवर्नमेंट जिसके पास पावर होती है प्राइस रेगुलेट करने की, क्या उसका इसमें रोल नहीं होता बीच में इंटरफेयर करने का, और एक न्यूनतम प्राइस। वैसे तो ये भारत की स्थिति देखा जाए तो जैसे एक एक साल से काफी लोगों की जॉब गई है, हमारा एक काफी गरीब तबका भी है क्या। वैसे तो ये मेडिसिन फ्री होनी चाहिए, बट स्टिल एक न्यूनतम प्राइस भारत फिक्स नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो इसी के बारे में आज का हम सेशन रखेंगे। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं जो सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सिटीजन्स हैं, आम लोग हमारे जैसे, तो हम आप उनसे बात करेंगे। तो मैं फर्स्टली इन्वाइट करना चाहूंगा संदीप जी को, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिन्होंने एक प्लेकार्ड पकड़ा हुआ है कोविड पर मुनाफाखोरी आपदा में अवसर। मैं संदीप जी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। संदीप जी एक बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको रेमोन मैगेसेसे अवार्डी अवार्ड जो कि नोबेल प्राइज माना जाता है एनवायरमेंट के लिए, उनको वो उनसे वो सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा वो वाइस प्रेसिडेंट है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, एंड एक टीचर है, एक प्रोफेसर भी है IIM इंदौर में, IIM अहमदाबाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप जी से कि वो अपने विचार रखें इस मुद्दे के ऊपर। जी धन्यवाद अंकित। आज पहले तो मैं बता दूं कि हम आज के दिन ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। ये आपको मालूम है कल 1 मई है। 1 मई वैसे तो जाना जाता है मजदूर दिवस के रूप में, पर
और हम जो जो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के जाने माने सोशलिस्ट नेता मधु लिमय का भी जन्मदिन है। मधु लिमय एक समय संसद में सबसे अच्छे बोलने वाले सांसदों में से थे और जमीनी नेता थे और संघर्ष करने वाले नेता। और कल लेकिन भारत सरकार ने एक फैसला लिया है कि अभी तक जो कोविड का टीका था वो पहले तो उनको लगाया गया जिनको कोरोना का फ्रंट लाइन वर्कर्स कहा जाता है, यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं अस्पतालों में, जो कोरोना रोगियों से ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं, पहले उनको लगाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि ये 60 साल से ऊपर वालों को लगेगा और उसके बाद फिर 45 साल से ऊपर वालों को लगवाने की घोषणा हुई। अब सरकार ये कह रही है कि 18 से जो 44 साल के लोग हैं उनको कल से लगना शुरू होगा, लेकिन अभी तक जो व्यवस्था थी कि सरकार इस टीके को मुफ्त में लगा रही थी, कल से ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी और 18 से 44 साल के लोगों को हो सकता है निजी अस्पतालों में जाके इसको लगाना पड़े। और जैसा अंकित ने कहा, दो टीके भारत में बनाए जा रहे हैं। ये आपको बता दूं, एक कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे की कंपनी है, इसके मालिक का नाम है अडार पूनावाला, आजकल बड़ी चर्चा में है। जिस तरह पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के पहले लोग अडानी के बारे में नहीं जानते थे, इसी तरह से अडार पूनावाला का नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन मोदी जी ने उनको प्रसिद्ध बना दिया। और अडार पूनावाला की कंपनी ने जो ऑक्सफोर्ड में रिसर्च हुई थी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है दोनों ने मिलके जो रिसर्च की थी, मतलब एस्ट्राजेनेका ने उसको प्रायोजित किया था, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया था और जो टीका विकसित किया गया था शोध करके, उस टीके के आधार पे सीरम इंस्टीट्यूट ने अपना टीका बनाया। अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने तो कह दिया कि हम इस पे कोई मुनाफा नहीं कमाएंगे क्योंकि ये जीवन रक्षक दवा है, इस पे मुनाफा कमाना नैतिकता नहीं होगी। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम इसको 1000 रुपए प्रति टीका बेचेंगे। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, आप 250 रुपए से ज्यादा का नहीं बेच सकते। तो उन्होंने अपना दाम 210 रुपए तय किया और 210 रुपए में पहले भारत सरकार को बेचा, उसके बाद उन्होंने अपना रेट कम करके 150 रुपए किया। कैसे कम हो गया ये मालूम नहीं, लेकिन 150 रुपए पे भी अडार पूनावाला का कहना था कि मैं मुनाफा कमा रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ लेकिन मैं कमा रहा हूँ। यानी 150 रुपए प्रति टीका बेचने पे भी सीरम इंस्टीट्यूट को फायदा हो रहा है और वो बेचना चाहता था 1000 पे, भारत सरकार ने सीमा तय की थी 250 की और पहले 210 पे बेचा, फिर 150 में बेचा। भारत सरकार उससे खरीद के लोगों को मुफ्त लगा रही थी। जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है भारत बायोटेक, इसने भारत में ही जो रिसर्च हुई थी जिसके कोई आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के तो कम से कम कुछ आंकड़े उपलब्ध है कि उसका जो परीक्षण था वो कैसे हुआ, तो भारत बायोटेक का टीका जो है वो 295 रुपए का था पहले, फिर उसने भी 150 किया और वो कोवैक्सीन नाम का टीका बनाता है, सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम का टीका बनाती है। अभी तक ये दोनों कंपनियां भारत सरकार को बेच रही थी, भारत सरकार इसको मुफ्त में लगा रही थी, लेकिन अब कल से इन दोनों कंपनियों ने घोषणा कर दी है। जरा मेरी बात पे ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार की घोषणा नहीं है, ये दोनों कंपनियों की घोषणा है कि सीरम इंस्टीट्यूट 400 रुपए में इसको बेचेगा राज्य सरकारों को
और 600 रुपए में बेचेगा प्राइवेट अस्पतालों। और भारत बायोटेक तो दो हाथ आगे है, उसने कहा कि हम 600 रुपए में बेचेंगे राज्य सरकारों को और 1200 रुपए में बेचेंगे प्राइवेट अस्पतालों। जो कंपनी 150 रुपए पे मुनाफा कमा रही है वो अब इसको 400 और 600 रुपए में बेचना चाहती है। और आपको मालूम है कि जब प्रतिस्पर्धा होगी बाजार में, राज्य सरकारें चाहेंगी कि उनको मिले, प्राइवेट अस्पताल चाहेंगे उनको मिले, तो राज्य सरकार के पास भी जो टीका जाएगा उसका वही हश्र होगा जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां जाती। सबको मालूम है हमारी जो पहली लड़ाई हुई थी स्वास्थ्य सेवा के खिलाफ, वो हमारे मुन्ना लाल शुक्ला जी यहाँ मौजूद हैं, भरावन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो दवाइयां आती थी वो बाहर निजी दुकानों से बिकती थी। इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना किया था कि अस्पताल से जो दवा मिलनी चाहिए वो बाहर दुकान पे कैसे पहुंच जाती, और डॉक्टर और अस्पताल के कर्मी और जो दुकानदार थे वो सब मिलके इस पे पैसा कमाते थे। तो अगर टीका सरकार और निजी दोनों क्षेत्र में रहेगा तो संभावना इसकी है कि वो सरकार से निजी क्षेत्र में पहुंच जाएगा और लोगों को काफी पैसा देना पड़ेगा इसको लगवाने के लिए। अब अडार पूनावाला ने बड़ी बेशर्मी से कहा है कि मैं कुछ धर्मार्थ काम करना चाहता हूँ, इसलिए टीके की जो कीमत है वो 400 रुपए से घटा के 300 रुपए कर रहा हूँ, जिससे कि राज्य सरकारों का करोड़ों रुपए बचेगा और अनगिनत लोगों की जानें बचेंगी। यानी अडार पूनावाला खुद मान रहे हैं कि अगर इस टीके को ज्यादा दाम पे बेचा जाएगा तो राज्य सरकारों को चूना लगेगा और लोगों की जाने जाएंगी। इसका तो यही मतलब हुआ। वो टीके का दाम 400 से 300 करके कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए सरकार के बचेंगे। अरे भाई, अगर आपको मालूम है कि हजारों करोड़ बचेंगे और सबसे प्रमुख बात है कि अनगिनत लोगों की जाने बचेंगी, अगर आप ये मानते हैं टीके का दाम कम करने से, तो आपने दाम इतना ज्यादा रखा क्यों था पहले, और अभी आप उसको और क्यों नहीं घटाते हैं? भाई, आप और लोगों की जान बचाइए और सरकार का पैसा बचाइए। जब आप कह रहे हैं कि 150 में आपको मुनाफा मिलता है तो आप 150 में क्यों नहीं दे रहे हैं जिस रेट पे आप सरकार को पहले दे रहे थे? और इसी तरह से भारत बायोटेक, जिसने 600 रुपए की घोषणा की थी, अभी उसको गिरा के 400 रुपए किया है कि वो 400 रुपए में राज्य सरकारों को बेचेगी। उसको भी मजबूर किया जाना चाहिए कि वो भी 150 रुपए में ही इस टीके को राज्य सरकारों को दे। और निजी क्षेत्र में तो टीका जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टीका निजी क्षेत्र में चला गया तो फिर कितने का लगेगा मालूम नहीं। जिस तरह से अभी अंकित बता रहे थे कि जो रेमडेसिविर का टीका है, रेमडेसिविर का टीका जिसकी कीमत शायद 4000 के आसपास होनी चाहिए बाजार में, वो इस समय 25000 से ऊपर जो है ब्लैक में मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है उसकी। और अस्पतालों में भी अगर आप जाइए तो, वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि निजी अस्पताल में भी रेमडेसिविर हम मुफ्त में लगाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। मुझे एक हमारे मित्र ने बताया कि बलरामपुर अस्पताल में किसी रोगी को वेंटिलेटर की जरूरत थी, और इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर कह चुके हैं मोहनलालगंज के, कि बलरामपुर अस्पताल में लखनऊ में 27 या 28 वेंटिलेटर हैं और काम कर रहे हैं सिर्फ 4 या 7। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो पिछले साल जब कोविड का प्रकोप आया था तो बहुत सारे वेंटिलेटर खरीदे गए थे, वो अभी पैक रखे हुए हैं, अभी वो खुले ही नहीं है, क्योंकि उनको चलाने के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग अस्पताल के पास नहीं। आप बताइए, इससे ज्यादा हंसी की क्या बात हो सकती है? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अस्पतालों में हम बेड की संख्या बढ़ा देंगे। यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका काम है जहाज बनाना,
लेकिन जहाज बनाने का ठेका उससे लेके अनिल अंबानी को दे दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल जहाज का। एचएएल इस समय एक अस्पताल बना रहा है 450 बेड का, लेकिन सवाल ये है कि जब आपके पास अपने सरकारी अस्पताल में जो पहले से स्थापित अस्पताल है वेंटिलेटर चलाने के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोग नहीं है, तो आप अगर बेड की संख्या बढ़ा देंगे या नए अस्पताल खोल देंगे तो उनको चलाने के लिए चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी कहाँ से आएंगे। अब कल सरकार ने विज्ञापन निकाला है कि वो डॉक्टरों को आकर्षित कर रही है कि आप आकर्षक पैकेज पे आइए और सरकार के साथ काम कीजिए। तो हकीकत यह है कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। हमारे मित्र हैं श्रवण दीक्षित जी, उनकी पत्नी 18 तारीख को शाम को भर्ती हुई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, और उनको डॉक्टर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनको कोई ऑक्सीजन नहीं मिला। डॉक्टर ने एक टीका जरूर लगाया शाम को और एक टीका सुबह 3 बजे लगाया, 4 बजे वो खत्म हो गई। संध्या देवी ये हमारे मित्र की पत्नी है। तो डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, प्रशिक्षित लोगों की कमी है, और लोगों को बलरामपुर अस्पताल में बताया गया कि किसी को वेंटिलेटर चाहिए था तो उसको वहां पे 1.5 लाख रुपए देने पड़े तब उसको जाके वेंटिलेटर मिला। तो ये हालत है सरकारी अस्पतालों की कि वहां लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोग परेशान हैं। और ऐसे दौर में जबकि इन निजी कंपनियों को धर्मार्थ काम करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समाज में कितने लोग सेवा का काम इस समय कर रहे हैं, वो मुनाफा कमाने की सोच रही हैं। वो सोच रही हैं कि हम जो टीका अभी 150 रुपए में बेच रहे थे भारत सरकार को, उस पर भी मुनाफा कमा रहे थे, वो अब हम 300 रुपए का, वो अब हम 400 रुपए का, 600 रुपए का, 1200 रुपए का बेचें। और निजी क्षेत्र में जब जाएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया खतरा ये है कि वो सारा निजी क्षेत्र में ही पहुंच जाएगा, या सरकारी अस्पताल में भी लगाना होगा तो उसके ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मतलब एक तो यह है कि सरकारी रेट होगा, लेकिन जब उसकी कमी होगी, जैसे अभी टीके की कमी है, कल से घोषणा हो गई है कि 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारों के पास टीके का भंडार नहीं है, उनके पास है ही नहीं टीके, लगाएंगे कहाँ से। तो अगर टीके की कमी रहेगी तो जाहिर है कि उसकी कालाबाजारी होगी, जैसे आज रेमडेसिविर 25,000 से ऊपर का बाजार में मिल रहा है, कल यही हालत कोविशील्ड और कोवैक्सीन की होगी। जो निजी क्षेत्र में जब चला जाएगा तो पता लगेगा कि वो 50,000 1 लाख का मिल रहा है। तो हम इसका विरोध करते हैं, जो सरकार ने ये नीति बनाई है कि वो इसको निजी क्षेत्र में देगी। हम लोगों की मांग है खास करके सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की कि स्वास्थ्य क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कल कांग्रेस की हरियाणा की नेता वो है या केरल की स्वास्थ्य मंत्री है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में मुझे दुविधा है, बॉबी इसको स्पष्ट करेंगे, कोई शैलजा है, अब शैलजा नाम वो हरियाणा की कांग्रेस की दलित नेता का भी जी है, वो केरला की हेल्थ मिनिस्टर है, क्योंकि केरला की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा है जी, वो जी, कह जी, रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। बहुत सारे देशों ने 30 देशों ने करीब स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है पूरी दुनिया में, कनाडा उसमें एक है जहां आपको मुफ्त चिकित्सा सेवा मिलती है, ईरान में मुफ्त चिकित्सा सेवा मिलती है, श्रीलंका में चिकित्सा सेवा मुफ्त है, आपके आपके घर से 1.5 किलोमीटर के अंदर अस्पताल है, ऐसी वहां एक नीति है। तो हमारी मांग है कि शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेवाएं सरकार के हाथ में होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है कि जितने सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, यानी कि जो आईएएस अफसर हैं, नेता, मंत्री, हमारे न्यायाधीश लोग,
ये सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, अपना इलाज और अपने परिवार वालों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं, तो अपने आप सरकारी शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था की गुणवत्ता सुधर जाएगी जब उसमें प्रभावशाली लोग जाने लगेंगे। तो यही एक तरीका है। हमारी मांग है कि ये जो इसको बेचने की तैयारी है कल से, इस पे तुरंत रोक लगे। इसीलिए आज हम ये बैठक कर रहे हैं 30 अप्रैल की शाम को, क्योंकि कल 1 मई से ये व्यवस्था लागू होगी। और कल हमारे मित्र एडवोकेट एनडी पंचोली सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से 10 से 5 उन्होंने एक उपवास रखा है उनके लोगों ने इसके विरोध में, जो ये टीका बेचने की तैयारी हो रही है निजी क्षेत्र में। और स्वास्थ्य व्यवस्था जो जो हम सब लोग देख रहे हैं कि बुरी तरह से चरमरा गई है, सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है। योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं कि अगर ऑक्सीजन का मास्क लगे हुए कोई अस्पताल के बाहर पाया जाएगा तो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब आप बताइए, सबको मालूम है कि अस्पतालों में बेड की कमी। अब अगर अस्पताल में अंदर जगह नहीं है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए सबसे आसान काम है पुलिस लगा देंगे और पुलिस डंडा मार मार के वहां से मरीजों को भगा देगी। वो कहेगी घर जाओ, अस्पताल में जगह नहीं है। मतलब आप मरीज के लिए ही परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे नेता लोग हैं, इनको बिल्कुल इनको अंदाजा ही नहीं है कि जमीनी हकीकत क्या है। और ये इनको बस ऊपर से बैठ के आदेश जारी करना, डंडा चलाना आता है, लेकिन ये इतने संवेदनशील नहीं है कि इनको जो मरीजों को तकलीफ इस समय झेलनी पड़ रही है इसका जरा भी अंदाजा हो। तो ये जो हालत है देश की, ये हमको इस समय ये सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर मुख्यमंत्री जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? मतलब कितने लोग मर जाएंगे तब माना जाएगा कि हमारा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है या प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? हमारे विदेश मंत्री ने आज बयान दिया है, आज खबर छपी है कि जो भारत की नकारात्मक खबरें जा रही हैं विदेशों में, उसको हमारे दूतावास उसका जवाब दे। अब ये सबको मालूम है कि इस समय भारत में सबसे गंभीर समस्या है कोविड को लेके। पूरी दुनिया मदद कर रही है, मदद ही इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी हालत खराब है। तो हालत खराब है, इसके लिए बजाय मदद जुटाने के लिए अब हमारे दूतावास इस काम में लगेंगे कि जो मीडिया में खबरें छप रही हैं भारत की नकारात्मक खबरें, उसका प्रबंधन करें। इसी तरह से आप अपने अखबारों पे अगर नजर डालेंगे तो ये बहुत शर्म की बात है कि सरकार अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक करने के बजाय, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय, आज अमर उजाला में एक खबर है कि हर एक 100 संक्रमित में पंजाब बंगाल में 2 और यूपी में 1 मर रहा है। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में स्थिति पंजाब और बंगाल से बेहतर। अब पंजाब और बंगाल में आपको मालूम है गैर भाजपा सरकारें हैं, तो मतलब ये लाशों पे भी राजनीति कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कम लोग मर रहे प्रति 100, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है इसलिए संख्या में तो उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा लोग मर रहे हैं पंजाब और बंगाल से, ये बात नहीं बता रहे हैं। ये अखबार की हेडलाइन मैनेज करके ये दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पंजाब और बंगाल से बेहतर। तो ये जो राजनीति हो रही है लाशों पे लोगों की और लोगों की तकलीफ पे, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सरकार जो मदद कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को कि इस संकट के दौर में कि वो मुनाफा कमाए, आखिर सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही? ये मोदी जो अपना डर दिखाते हैं, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को सरकार के खिलाफ बोलने पे जेल भेज देते हैं, मुकदमा कर देते हैं, ये अब अडार पूनावाला और भारत बायोटेक के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने टीके की ऊंची दर की घोषणा अपने आप कैसे कर दी बिना सरकार से पूछे? हकीकत तो ये है कि ये सरकार की मिली भगत। जिस तरह से किसान
कानूनों में सब लोग देख रहे हैं कि मोदी जी अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। तीनों किसान कानून किसानों के हित में नहीं है, ये निजी कंपनियों के हित में। उसी तरीके से इस समय बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी भारत के लोगों की मदद करने के बजाय अडार पूनावाला अब वो उनके नए प्रिय उद्योगपति हैं और भारत बायोटेक की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जैसे उनको किसानों की परवाह नहीं है, किसान को 5 महीने हो गए हैं वो दिल्ली की सीमा पे बैठा हुआ है, कोरोना के संकट में भी बैठा हुआ है, अपनी जान को जोखिम में डाल के वापस नहीं जा रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि जब कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। और सरकार उनसे कह रही है कि आप मानवता के कारण अपना आंदोलन वापस ले लें। हमारा पूछना है कि मानवता के कारण आप क्यों नहीं 3 किसान विरोधी कानून वापस लेते हैं? मानवता के नाते आप क्यों नहीं ये जो टीका है कोविड का इसकी कीमत आप 150 करते हैं और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को आप क्यों नहीं आदेश देते हैं कि आप इस टीके की कीमत 150 रुपए कीजिए और सरकार उनसे ले और लोगों को मुफ्त में लगाए? ऐसी हमारी मांग है क्योंकि हमारी सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को दिया है अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में नहीं, अनुदान के रूप में यह पैसा दिया है। तो अगर सरकार इन निजी कंपनियों की मदद कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के नागरिकों को ये टीका मुफ्त में मिले। अब मैं चाहूंगा कि बाकी साथी अपनी बात रखें और फिर इस पे कुछ चर्चा। कोई बाकी साथी अपनी बात रखना चाहता हो? मुन्ना लाल जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। रविंद्र बोलिए। भैया मैंने एक वीडियो देखा था जी, जिसमें जो दवाई बनी है सीरम इंस्टीट्यूट की, ये 5 करोड़ डोज जब कोरोना शुरू हुआ था मार्च में पिछले साल, तो ये डोज बन चुके थे और इस वीडियो में पूरा डिटेल दे रहे हैं। बहुत अच्छा है ये वीडियो। वैसे हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा मतलब सरकार की पोल खोल रहा है। नहीं नहीं, ये बात सही है आपकी। इसमें हकीकत ये है कि ये तारीखें तो बॉबी बताएंगे ठीक से, लेकिन ये बात सही है कि टीके का परीक्षण होने के पहले, मतलब इसका जिसको कहते हैं ट्रायल किया जाता है, लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है देखने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं। परीक्षण होने के पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको बनाना शुरू कर दिया था इस उम्मीद में कि अगर ये टीका सफल हो गया तो वो तुरंत इसको बाजार में उतार देगा और अगर विफल हो गया तो वो नुकसान झेलने को तैयार था। सीरम इंस्टीट्यूट बड़ी कंपनी है, उनके पास काफी पैसा है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मार्च पिछले साल मार्च के पहले तैयार कर लिया था, लेकिन ये जरूर है कि परीक्षण करने के पहले उन्होंने तैयार कर लिया था। जी मेरी, हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कई सारे लीगल वे हैं जिससे कि सरकार प्राइस को कंट्रोल कर सकती है और ये एक जनरल लाइसेंस इशू कर सकती है कि मिनिमम प्राइस पे कौन टीका बना सकता है, और कम से कम अगर ये नहीं भी करना चाहती सरकार तो ये तो कर ही सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिंगल एजेंसी के तरह परचेज करे सारे टीके और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को या अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू लगवाना चाहती तो उनको भी दे सकती है, लेकिन वो सिंगल परचेजर रहे तो बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और काफ़ी कम कीमत पर ये वैक्सीन मिल सकती है। तो ये गवर्नमेंट अगर चाहे तो काफ़ी कम प्राइस में भी ये टीके मिल सकते हैं और लगभग उसी प्राइस पे वो प्राइवेट हॉस्पिटल को और स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है। तो ये प्राइस का जो अलग अलग रेट तय किए जा रहे हैं और प्राइवेट के लिए अलग और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग, तो इसका कोई रैशनल नहीं दिख रहा सिवाय इसके कि ये कंपनियों को ही प्रॉफिट देना चाहते हैं। जी
जी, और कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहता है? जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी अनिल जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो पूर्णतया भैया जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन भैया जी का कहना है कि सत्याग्रह की ही तलवार चलनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कई साधु मर चुके हैं जिनको गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, सत्याग्रह करते करते अनशन करते करते मर गए, तो इनके बहरे कान कैसे खोले जाएं, ये हम सुझाव चाहते हैं। कोई साथी इसका जवाब देना चाहे तो दे। हाँ संदीप भैया कुछ बोल सकते हैं कुछ चीजें? मतलब अनिल जी की तो बात का जवाब शायद ना दे पाऊं मैं, लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पे जो संदीप भैया ने अभी बोली हैं उसके बारे में, एक तो रविंद्र भाई ने जो सवाल पूछा था संदीप भैया ने बहुत बताया, बहुत सही बात है वो, और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कमाल हो गया कि रिसर्च जब ये साइंटिस्ट को लग गया कि ये वैक्सीन में कुछ दम है और अभी मानव इंसानों के ऊपर अब इसका ट्रायल शुरू होगा, शोध शुरू होगा, अभी पता नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने महानता में नहीं बनाना शुरू कर दिया उसको, अमीर लोगों ने, अमीर देशों ने एडवांस में पैसा दिया कि भैया बना के रख लो, अगर रिसर्च आएगी ऐसी कि ये इंसानों पे कोविड से बचाएगा तो इसका हम तुरंत लगवा लेंगे इंजेक्शन, और नहीं अगर अगर ऐसी रिसर्च आएगी कि नहीं चल पा रहा है इंसानों में तो हम इसको तो उसको भैया डिस्पोज कर दिया जाएगा, मान लेंगे पैसा बर्बाद हो गया है। तो ये अमीर देशों वाला मामला था, अमीर कंपनियों वाला मामला था जिसमें बिल गेट्स भी शामिल हैं ये, और ऐसा उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन के लिए नहीं किया, निमोनिया की वैक्सीन के लिए नहीं किया, तो आप सोच लीजिए जब अमीर और अमीर देशों ने इतनी वैक्सीन खरीद ली कि वो अपनी जनसंख्या को कई बार उसमें वैक्सीनेट कर सकते हैं, ये हल हो गया। बताइए सीरम इंस्टीट्यूट तो मैन्युफैक्चरर है। दूसरी बात जो संदीप भैया ने बहुत सही बताई कि जो दोनों वैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड हो, 97% जो पैसा उसकी रिसर्च में लगा है वो जनता का पैसा है, वो कंपनी ने पैसा नहीं खर्च किया उसकी शोध के ऊपर, एस्ट्राजेनेका ने या ऑक्सफर्ड ने, वो जनता के पैसे से वैक्सीन बनी है। इसलिए एस्ट्राजेनेका के ऊपर दबाव था जिसके कारणवश उसने कहा कि ये वैक्सीन हम बिना मुनाफे के बेचेंगे, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को कोविशील्ड बना रहा है उसके, जैसे संदीप भैया ने बताया, वो खुद ही मानते हैं उसके जो हेड हैं आधार पूनावाला कि 150 में भी वो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वो सुपर मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, ये उनको थोड़ा सा वो है था मतलब वो चाहते हैं कि सुपर मुनाफा कमाएं, और उनका मन तो था 1000 रुपये में हम बेचे, ये उन्होंने खुद ही मीडिया में बोली है ये बात। और प्रवीण जी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही बात है, अगर जब भारत सरकार को केंद्र में जब 150 रुपये में वो वैक्सीन मिलती है और आज भी मिल रही है चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तो प्रदेश सरकार के लिए 400 और 600 रुपये का अलग से रेट क्यों है? अगर और मोदी योगी सरकार ने तो 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर भी कर दिया, 50 लाख कोविशील्ड, 50 लाख कोवैक्सीन, तो भैया आपने 400 और 600 रुपए पे वैक्सीन का ऑर्डर जो किया है योगी जी, अगर आप यही ऑर्डर आपने केंद्र सरकार से कराया होता जहां आप ही की पार्टी की सरकार है, तो आपने सोच लीजिए आपने जो 400 रुपए की चीज खरीदी है वो 150 में आती, तो 50 लाख वैक्सीन की जगह आप 200 को 2 लाख 2 करोड़ को वैक्सीन खरीद सकते थे, 1.5 करोड़ आप कोविशील्ड खरीद सकते थे उसी पैसे से, और यही बात हर प्रदेश सरकार पे लागू होती है। तो सरकार का सरकार क्या चाह रही है, सरकार क्या वैक्सीन लगवाना चाह रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, या सरकार ये चाह रही है कि कंपनियों का मुनाफा हो? और आप पिछले साल की तालाबंदी याद कर लीजिए, उसमें एपिडेमिक एक्ट महामारी अधिनियम के तहत सरकार ने ये नहीं देखा था कि किसके पास इसका ये पेटेंट है, उसने निजी अस्पतालों के रेट के ऊपर, कोविड की जांच के ऊपर सारी अधिकतम कीमत तय कर दी, उसके ऊपर हम लोग विवाद और डिस्कशन कर सकते हैं वो ज्यादा थी या कम थी, लेकिन सरकार ने तो तय कर दी थी अधिनियम के तहत, और जो भी प्राइवेट अस्पताल उससे ऊपर ले रहा था उसको वो उल्लंघन कर रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। कुछ प्रदेश सरकारों ने तो राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब सारी जो निजी स्वास्थ्य सेवा थी उसको भी सरकार के अंदर सरकारी तंत्र में ले लिया था कुछ समय के लिए महामारी अधिनियम के ऊपर। तो सरकार के ऊपर ये ताकत तो है ही कि वो प्राइस को रेगुलेट कर सकती है, और जैसा संदीप जी ने कहा कि सरकार चुप है,
और जो जो कंपनियां हैं वो हमें बता रही हैं कि भाई कितने का हो जाएगा। तो प्राइवेट में जब वो 1200 रुपए की कोवैक्सीन खरीदेगी प्रदेश सरकार, तो अब आप खुद बता दीजिए कि वो कितने की लगाएगी, इसके ऊपर कोई अधिकतम कीमत नहीं तय करी गई। तो एक मेरा यहाँ पर ये कहना है यहाँ पे कि एक और चीज बहुत जरूरी है जो संदीप भाई ने बात बताई थी कि कोवैक्सीन को लेते हुए कि कोवैक्सीन की जो तो कोविशील्ड तो पब्लिक के पैसे से बनी, कोवैक्सीन जो भारत में बनी टोटल, वो उसकी जो इनिशियल जो रिसर्च है वो भारत में हुई, भारत सरकारी इंस्टीट्यूट में हुई, और भारत सरकार ने एक और कंपनी जिसका नाम हैफकाइन है, वो कहीं पुणे या बम्बई में बेस है, मुझे बहुत नहीं पता है ठीक से, लेकिन भारत सरकार ने ना को भारत बायोटेक ने नहीं, भारत सरकार ने हैफकिन को परमिशन दे दी कि आप भी बना सकते हैं कोवैक्सीन। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई जब भारत सरकार के पास ही इसका पेटेंट होना चाहिए होएगा, उसके पास अधिकार होगा कि वो कोवैक्सीन बनवा सकती है, क्योंकि उसकी जो रिसर्च है वही भारत सरकारी लैब में हुई थी। तो अगर ऐसा है तो इस समय तो हमारे मोदी जी के पास वैक्सीन मैत्री का, भारत फार्मेसी है पूरी दुनिया का, और महान बनने का बहुत अच्छा मौका है कि वो आप पूरी दुनिया की सारी कंपनियों से कह दीजिए कि जिसको भी कोविशील्ड बनानी कोवैक्सीन बनानी है वो बना दे, क्योंकि वो उसका तो उसकी तो रिसर्च यहीं पे हुई है। तो लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हो क्या रहा है, हो ये रहा है भारत बायोटेक ने एक्सपोर्ट के और लंबे रेट बता दिए। तो और ये और अगर रोग नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता होती तो आप ये बताइए कि वो वैक्सीन के पैसे चार्ज करती, कि दुनिया में किसी भी देश में वैक्सीन लगवाने का पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट में कोविड की वैक्सीन लगाने का 250 रुपये लगता है। अगर पोलियो की वैक्सीन पैसे पर लेके लगाई गई होती तो क्या पोलियो उन्मूलन हो पाता? स्मॉल पॉक्स की जो दुनिया से स्मॉल पॉक्स का रोग का उन्मूलन हुआ था, क्या वो हो पाता पैसा लेके? तो यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर है ना कि हमें महानता नहीं चाहिए, हमें दया नहीं चाहिए को सीरम इंस्टीट्यूट की, भारत बायोटेक की, जनता को जैसे कि अनिल जी ने बोला है उसको अपना स्वास्थ्य अधिकार चाहिए सरकार से। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हम लोग का स्वास्थ्य अधिकार दे और कंपनियों को रेगुलेट करे कि वो एक बिना इस तरीके की असीमित ये मुनाफाखोरी बंद करे, और वो और अगर वो उसको तकलीफ हो रही है बनाने में तो सरकारी बनाए, सरकार भी तो सरकारी इंस्टीट्यूट में भी वैक्सीन बनती थी 2007 तक। तो मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करूं। थैंक यू बॉबी भाई, काफी ज्यादा काफी इंफॉर्मेटिव था आपने बात रखी अपनी, और कोई साथी अपनी बात रखना चाहता है? हाँ जी मुन्ना लाल जी, आपका माइक ऑफ है। तो हमारा ये मानना था कि आवाज आ रही? हाँ जी आ रही, आ रही जी, कि ये जो मुनाफागिरी चल रही ये तो ये तो ये सरकार खुद करा रही है, और ये रेट ये कंपनी नहीं बढ़ा रही है, हमें लगता है ये सरकार के कुछ लोग उसको खुद बढ़वा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक बार हम एक उदाहरण बताएंगे, हमारे पिताजी का एक बार एक्सीडेंट हुआ गया हो गया था, तो उसमें एक पैर में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो एक राड डालनी थी, तो वो वास्तव में हमने जब पता किया तो वो 700 रुपए की थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने वह बताया कि ये जो है एक बाहर से व्यक्ति बताया कि उसके पास ये मिलेगी, उसी के पास वो नंबर दिया, वो उसने 10,000 रुपया उसको रेट बताया। तो वो हमने पूछा उससे ये कितने के है, तो कम बाजार मिलती है, तो कह रहा तो डॉक्टर साहब से आप बात करें, तो डॉक्टर साहब जितने की कहेंगे, दुकान वालों ने भी कहा कि जो डॉक्टर साहब कहेंगे जितने की उतने की वो दी जाएगी, इसका रेट का कुछ नहीं है। तो वो कितने, क्योंकि उनको कमीशन उसमें चाहिए होता है, वो बताते हैं हमको इतना कमीशन चाहिए, तो रेट उसको बढ़ा करके उनको पेश करना है। तो हमें लगता है कि ऐसा ही तो नहीं हो रहा है, इसमें वैक्सीन में भी ऐसा ही खेल हो रहा हो कि इनको ये लोग जो है पैसा कमाने के चक्कर में कि पैसा इसमें वैक्सीन पर भी ये पैसा कमाई कर रहे हैं अपनी सरकार, तो इसलिए वो उसमें उसको बढ़ा के दे, नहीं तो वो फ्री दे सकते हैं, लेकिन वो सरकार ही बढ़वा रही है, तो इसलिए उसमें कंपनी को दोष न दे करके कोई कहेगा तो वो सरकार कह देगी कि ये तो कंपनी बढ़ा रही, जैसे पेट्रोल का रेट में कई बार कहती सरकार की हमने बढ़ा रहे हैं तो कंपनियां बढ़ा देती हैं,
तो ऐसे वो कंपनी को वर्षों में कंपनी न कर करके वो खुद सरकार कही है, तो हमको सरकार के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, हम लोगों को बताना चाहिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा, ये इसको इस बात को हमको फैलाना चाहिए और लोगों को पता हो तो फिर जो है लोग उसके खिलाफ खड़े हो। जी थैंक यू मनोहर जी, और के साथ ही अपनी बात रखना चाहते हैं? हमारी बात का जवाब नहीं मिला, और सवाल तो ये है कि अगर भैया हरदोई में गुस्सा न हुए होते तो उनके ऊपर कार्रवाई न होती जिन लोगों ने मारा था, तो हमें लगता है गुस्सा करना पड़ेगा, और हमें लग रहा है कि इस तरीके से सत्याग्रह की जो तलवार चलाई जा रही है उसमें तो लोग मर रहे हैं, सरकार बहरी देख रही है, तो इस पर क्या उपाय हो, कैसे इनसे निपटा जाए? हाँ जी संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कहूंगा कि हरदोई की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने दबाव बनाया और मुझे गुस्सा आया, ये बात सही है, लेकिन हम लोगों ने कोई हिंसा नहीं की और न किसी अधिकारी के साथ अभद्रता की, क्योंकि अगर हम वो कर देते तो फिर पुलिस को मौका मिल जाता दमन करने का। तो इसलिए आप देखिए, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है लेकिन वो इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि वो शांतिपूर्ण है, हालांकि सरकार उसको पूरे बदनाम करने की कोशिश करती है कि ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, क्या है, लेकिन आंदोलन इसीलिए टिका हुआ है कि वो शांतिपूर्ण है, अहिंसक है। इसलिए ये बात अनिल जी तो पुराने आंदोलनकारी हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारे तरीके जो है वो अगर अहिंसक नहीं होंगे तो सरकार को दमन करने का मौका मिले। अच्छा, इसके पहले जी बात सही है भैया, आपकी बात से सहमत है और हम सत्याग्रह से भी आपके सहमत हैं और अहिंसा हम भी चाहते हैं, लेकिन वो साधु मर रहे हैं ये बहरी सरकार देख रही है, ये भी मन में कचोटता है कि एक व्यक्ति जान दे रहा है और वो गौर ना करें तो बहुत दुखद बात है। सही बात, ठीक है। अब हमारे बीच में पन्नालाल जी आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मीटिंग खत्म होने के पहले पन्नालाल जी जुड़ गए, तो पन्नालाल जी अपना माइक ऑन कर लीजिए और फिर हम लोगों से ये जो पूरा टीके का जो कल से खुले बाजार में ये टीका बिकेगा प्राइवेट अस्पतालों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए, इसका हम लोग सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से विरोध कर रहे हैं और कल सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी का एक दिन का उपवास है, उसका हम समर्थन करते हैं। तो इस संबंध में आप अपना वक्तव्य एक रख दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। पन्नालाल सुराना जी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आप लोगों को बता दूं, और महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ा अपना माइक ठीक कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। और कुछ नए साथी जुड़े हैं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। भैया मैं कुछ पूछना चाह रहा था। आप बताइए, जो हम लोग विरोध करेंगे तो टीके का जो विरोध करेंगे तो उसके रेट के लिए करेंगे या फिर टीका ना लगवाने का करेंगे? नहीं, हमारी मांग है कि टीका मुफ्त लगना चाहिए और सरकार को अगर खरीदना भी है निजी कंपनियों से तो 150 के रेट पे खरीदे, निजी कंपनियों को फायदा ना पहुंचाए। जी भैया, ठीक है। लोगों को मुफ्त में लगना चाहिए और सरकार उसका कम से कम दाम दे, क्योंकि आखिर वो पैसा सरकार का है। योगी जी कह रहे हैं 1 करोड़ टीका खरीदेंगे, लेकिन वो अपना सरकार का ही तो पैसा उठा के दे रहे हैं। क्यों? और ये बात मुन्ना लाल जी की बिल्कुल सही है कि सरकार इन कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है और ये कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को चंदा देंगी चुनाव लड़ने के लिए।
राज्य सरकारों को 400 रुपए में और केंद्र सरकार को 150 रुपए में। जी जी जी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा आया था पेपर में कि ये घटा करके 300 रुपए में किया जाएगा। अरे भाई 300 भी तो किया गया, 300 भी किया जाए, 150 किया जाए तो फ्री किया जाए। जी 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 जी। पन्नालाल जी का माइक ठीक हो तो जरा उनकी बात करवाइए। जब तक ये पन्नालाल जी आ रहे हैं तब तक आपको ये बता दें कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक और जो खेल किया है कि निजी कंपनियां जो राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती थी, पहले इसका नियम ये था कि अपने मुनाफे 3 साल के औसत मुनाफे का 7.5% वो राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती। अब वो सीमा हटा ली गई है और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद के वो राजनीतिक दलों को कोई भी कंपनी चंदा दे सकती है। लेकिन अब आप सूचना के अधिकार में भी बैंक से ये जानकारी नहीं मांग सकते कि किस कंपनी ने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के कौन सी पार्टी को चंदा दिया है। ये सारी जानकारी गोपनीय बना दी गई है चंदा देने वाले की पहचान को गोपनीय रखने के लिए उसके नाम पे। तो ये इस व्यवस्था के तहत जो पूरी तरह से अनैतिक है और गैर लोकतांत्रिक है, अडानी और अंबानी ने कितना पैसा दिया है और अब अडार पूनावाला और भारत बायोटेक कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, ये जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। पन्नालाल जी आपका माइक ऑन कीजिए। पन्नालाल जी का माइक ऑन कीजिए। जगदीश भाई अगर आप बात सुन रहे हो ताकि वो अपनी बात। लग रहा फोन पे बात। मैं सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, आपको बोलना है, आप माइक ऑन करके बोलिए। माइक ऑन से था? हाँ माइक ऑन है, अब ऑन है, अब ऑन है। जी जी पन्नालाल जी आप बात रखिए अपनी। और कोई बोलने वाला होगा? हाँ सब लोग की बात हो गई, अब आपको बोलना है। जी अच्छा अच्छा। हाँ साथियों माफ करना, मुझे बहुत देर हो गई। कोवैक्सीन, मैंने वैक्सीन सभी नागरिकों को मुफ्त में मिलना चाहिए, ये इतनी सादी सरल बात है, इस पर कोई लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत ही नहीं है। एक महामारी यानी इसके पहले जैसे हुआ था वो जो स्मॉल पॉक्स था, तो स्मॉल पॉक्स के कारण बहुत बच्चों की जाने गई एक जमाने में, फिर उसके ऊपर वैक्सीन निकला और अब सब बच्चों को यानी 6 महीने से लेकर 5 साल के अंदर ही वो सब वैक्सीन दिए जाते हैं। अब कहीं कहीं उसके लिए पैसा दिया जाता है, वो उचित नहीं है। और अब ये जो नया मामला आया है, नई महामारी आई है, इस पर वैक्सीन काफी तेजी से सामने आया, हाथ में आया लोगों के समाज के, लेकिन आया है, उसके बारे में भी बहस तो चल रही है। पूरी तरह 100% वो काम दे होगा या नहीं, या मामूली है, या कुछ उसमें खामी है, ये बहस तो चलती रहेगी। हर विषय पे बहस चलते रहना ये तो होगा ही, लेकिन जितना संभव है लोगों को न्यूनतम सुरक्षा कवच देना, इसलिए इस वैक्सीन का उपयोग हो सकता है। अब कल परसों की जो खबरें आई है, वैसे महाराष्ट्र सरकार ने तय किया के 18 साल से ऊपर वाले सभी स्त्री पुरुषों को वैक्सीन सरकार के खर्चे से दिया जाने वाला है, और 1 मई जो मजदूर दिवस है और महाराष्ट्र दिन भी है, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना उस दिन हुई
इसलिए 1 मई को ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, महाराष्ट्र की आबादी 12.5 करोड़ है तो कम से कम 6-7 करोड़ लोगों को देना होगा। अब शुरू करना है तो पर्याप्त स्टॉक या कम से कम पर्याप्त सप्लाई होता रहेगा, इसका पुख्ता प्रबंध हो जाने के बाद ही कार्यक्रम शुरू हो सकता था। लेकिन कल सरकार के ध्यान में आया कि वैक्सीन उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है। अब उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार है, वो तो बहुत चलती है, लेकिन उपलब्ध नहीं आज, इसलिए अभी वो कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू नहीं हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वैक्सीन मुफ्त दिया जाएगा, तो ये अब भारत सरकार को करना भी मुश्किल तो नहीं है, पैसे का तो सवाल है ही, खर्चा बहुत बढ़ रहा है कई मदों पर, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से जो विशेष योजनाएं चलाना जरूरी हो गया, अस्पताल बढ़ाने हैं, कॉट्स बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन का प्रबंध करना है, ये खर्चा बहुत ज्यादा अकस्मात अचानक ये खर्चा करना पड़ रहा है, ये सही है, और सरकार की आमदनी कम हो गई है क्योंकि आर्थिक व्यवहार कम हुआ तो सरकार को कर का पैसा कम मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई होगी कि ये जो कोरोना से संबंधित चीजें हैं, दवाई हो, वैक्सीन हो, अन्य कोई चीजें हो, ऑक्सीजन वगैरह, इस पर GST नहीं लगना चाहिए। अब ये मांग करने की सब नौबत आ गई, ये बड़ी अजीब बात है, ये तो सरकार के ध्यान में बिल्कुल शुरू में आ जाना चाहिए था कि ये इतनी भयंकर महामारी है, इससे जनसाधारण को सुरक्षा देनी है तो उसके लिए जो साधन लगाने हैं, जुटाने हैं, उन साधनों पे GST या अन्य कोई भी कर नहीं लेना चाहिए। सरकार ने ये किया नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया, अब वो फैसला देंगे तो हमारे ध्यान में आ जाएगा। सरकार को अब कोई, सब लोग बोल रहे हैं 13 महीने हो गए भारत में कोरोना एक विकराल महामारी है, ऐसा अनुभव आने लगा मार्च 2020 से, उसके पहले भी कुछ लोग कहते हैं, तो तब से, और दूसरा दौर आएगा, तीसरा दौर आएगा, ये अंदाजा भी उसी समय लगाया जा रहा था। ये सच है कि कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं पुख्ता बोल सकता कि ये महामारी कितने दौर करेगी, कितना लंबा समय लेगी, इस पर इलाज होगा या नहीं होगा, वैज्ञानिक में भी वो बिल्कुल पक्का 100% गारंटी वाला ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ठीक है, ये अपनी मर्यादा है, सबकी, पूरे समाज की मर्यादा है, लेकिन जितना संभव है उतना करना चाहिए, होना चाहिए, और इसलिए अब सरकार को, यानी ये तो सच है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, यानी वैक्सीन देना है तो राज्य सरकार को ये करना होगा, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिले में सिविल हॉस्पिटल, ये सब राज्य सरकार का जिम्मा है, और जगह भी राज्य सरकार प्रबंध कर सकता है, करना है राज्य सरकार को। ये 3-4 बार लोगों ने बताया, केंद्र सरकार बार बार बोल रहा हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उनको कितना कम काम करना, फैसले लेने हैं, नीतियों के बारे में उनको फैसला लेना ये उनका दायित्व तो है, लेकिन व्यवहार में, अमल में लाना, उस पर कार्रवाई करना, ये तो राज्य सरकारों का करना होता है। और राज्य सरकार ये कह रही है कि हमें जो पर्याप्त साधन चाहिए नहीं मिल रहे हैं, वैक्सीन के बारे में भी ये हो रहा है, अब हम कोशिश करें
सरकार को बार बार बोलते हुए कि भाई जरा जल्दी करो, समय मत बिताओ, जितना जल्दी कर सकते हैं आप करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें लोगों को दो बातें हमें भी कहनी चाहिए, एक तो ये मास्क लगाना, भीड़ नहीं करना। भीड़ मैं भी देख रहा हूँ, कई छोटे छोटे कस्बे में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है बाजार के दिन, और कोई यानी ध्यान में ही नहीं ले रहा है, यानी भाई इससे खतरा है, हमें बच जाना चाहिए। शादियां हो गई है, बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है, संभलना चाहिए ना लोगों को कि ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, और हम हर व्यक्ति को अपना अपना इंतजाम करना है। अब ये मास्क लगाना इतनी मामूली चीज है, कोई 20-30 रुपए में अच्छा मास्क आ जाता है, लगाना चाहिए, क्या नुकसान होने वाला है। मैंने तो 2-3 जगह भाषण भी दिए मास्क लगा के, कोई दिक्कत नहीं आती है, करना चाहिए, लोगों को ये समझाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी, अपनी प्रतिकार शक्ति, किसी भी बीमारी से संघर्ष करने की शरीर की ताकत, ये जितनी ज्यादा अच्छे ढंग से वो जल्द से जल्द हासिल कर सके, ये तो कोई बीमारी के लिए ही नहीं, एक अच्छा स्वस्थ तंदुरुस्त जिंदगी जीने के लिए ये करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, अब काफी जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में, व्यायाम करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और जो जंक फूड है नहीं खाना चाहिए, वगैरह वगैरह, नशाखोरी नहीं करनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। लेकिन हम देखते हैं जब लॉकडाउन था, लोग कार के लिए चिल्ला रहे थे, शराब की दुकानें खोली थी, और सरकार को भी दूसरे काम जरा दर किनारे करके पहले शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। सर, लोगों को समझना चाहिए ये हमारी क्या बेवकूफी चल रही है, हमें अच्छा इंसान के रूप में जीना है तो इसकी जिम्मेदारी अपनी भी है, हम नशाखोरी न करें, हमारा शरीर तंदुरुस्त रखे, जो अच्छा खाना है वही खाए, और इत्मीनान से व्यायाम करे, नींद अच्छी ली, तो फिर शरीर अच्छा तंदुरुस्त रहता है। ये भी समझा देने की बहुत जरूरत है। हम जो सार्वजनिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक है, बगैर राजनीतिक है, हम सब कार्यकर्ताओं का एक जिम्मा है, बहुत ही चुस्ती से, बहुत ही मेहनत करके, लोगों तक जा करके हमको ये समझाना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी अपनी सुरक्षा का ख्याल करे, और जो जरूरती चीजें हैं वो सरकार उन्हें उसकी आपूर्ति करे और वो मुफ्त में करे। और इसलिए पैसा सरकार के पास कम है तो दूसरे कई खर्चे, आज भी हम देखते हैं मंत्रालयों में जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, इतना आलीशान फर्नीचर बनाया जा रहा है, नया नया फर्नीचर बनाया जा रहा है, केवल पंखे से काम नहीं चलता, हर किसी को एसी चाहिए, क्या जरूरत है, थोड़ा सादगी से जिंदगी जीना, ये आदत हमको लग जानी चाहिए। हमको ये सरकार को भी कहना चाहिए, सरकार का ये जिम्मा है, सरकार ऐसे चीजों पर खर्चा न करे, जो भी पैसा जरूरी है वैक्सीन और उस तरह की चीजों के लिए, उसके लिए जितना जरूरी है उतना खर्चा सरकार को करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है पन्नालाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वक्तव्य के लिए। अब मैं चाहूंगा कि और कोई साथी यदि कुछ अंतिम बात कहना चाहे तो अपनी बात रखें, और नहीं तो फिर हम मीटिंग समाप्त कर देंगे। आपको बता दें कि अपने साथी एडवोकेट एनडी पंचोली और दूसरे लोग सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी नाम
उनका जो जो मंच है जिसको जयप्रकाश नारायण और जस्टिस वीएम ताराकुंडे ने बनाया था, वो लोग कल 10 बजे से 5 बजे उपवास कर रहे हैं। ये जो टीके को टीके का जो निजीकरण हो रहा है इसके खिलाफ और इस मांग के लिए कि टीका जो है मुफ्त लोगों को दिया जाए। कोई साथी अगर बोलना चाह रहे हैं तो बात रखें। सर मैं हाँ बोलिए बोलिए जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा देश बहुत धार्मिक देश कहा जाता है, तो जैसे कि गुरुद्वारे ऑक्सीजन और इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लाखों मठ होंगे, हजारों जहाँ लाखों साधु संत रहते हैं और पैसे की दिक्कत नहीं है, तो एटलीस्ट हम लोग एक अपील करें कि जनकर पे जब है तो अपने मठों का पैसा जो है कम से कम ठीक है काम करना चाहिए। उसके पार्टी एक अपील के तौर पर अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम लोगों ने तो मैंने और बॉबी ने तो एक लेख में लिखा है कि जो राम मंदिर के लिए 3,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया है उसमें से भी कुछ पैसा निकाल के और अस्पताल और ये सब बनाए। तो ठीक है, अब हम इस मीटिंग को यही समाप्त करेंगे क्योंकि 8:30 बजे से जो हम लोग कोविड सेवा एक शुरू करने जा रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी और अन्य संगठनों के साथ मिलकर, उसकी मीटिंग है। तो